हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे आपका फ़ोन मेमोरी में जितने भी आपका कॉन्टैक्ट सेव है उसे सिम कार्ड पे कैसे लाएं, ठीक है ना। तो इस वीडियो पे ही चर्चा करेंगे। आपका कोई भी मोबाइल फ़ोन है, सैमसंग, रेडमी, वीवो, जो भी है, तो सब में वर्क करेगा आपका जो रजिस्टर, हम इसमें स्टेप बाई स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आप आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अपना मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और बहुत आसान तरीके से आपको जो भी आपका फ़ोन मेमोरी में आपका जितना भी फ़ोन नंबर सेव है वो आप अपने सिम कार्ड में ले सकते हैं। तो इस वीडियो पर बने रहें और चैनल पर पहली बार आप आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। तो देखिए, आप सबसे पहले आपका जो भी मोबाइल फ़ोन है, जैसे मेरा ये सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, अगर आपका कोई भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन है तो सब में एक ही प्रक्रिया, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है मैं इसमें बता देंगे, सबका एक ही प्रक्रिया है। अगर इसमें आप कर जैसे बताएंगे तो दूसरे में भी आप वहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगा, इसी तरह मिलेगा, लेकिन हल्का सा चेंजिंग होगा। तो आपको इस जिस तरह मैं इसमें बताएंगे उस तरह आपको उसमें कर देना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट पर चल जाना है। जैसे मैंने आपको जितने भी सारे ऐप जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है, तो आपको कॉन्टैक्ट पर चल जाना है। और यहाँ पे आपको जहाँ कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है तो वहाँ पे आप ऐसा करें, देखिए मेरा कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, तो कॉन्टैक्ट पर टैप कर देंगे और ये फिर देखिए पूरा आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर में लाइन जो लिखा हुआ तीन तो लकीर है देख सकते हैं, तो इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे इस पर टैप कर देंगे तो ऊपर में देखिए यहाँ लिखा है ऊपर में फ़ोन, फिर सिम, और हल्का स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मैनेज कॉन्टैक्ट लिखे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में मैनेज कॉन्टैक्ट है, तो इस पर हम टैप कर देंगे। और इस पर टैप करने के बाद देखिए यहाँ कितना सारे ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन के बारे में आपको इसमें बताएंगे। देखिए ये जो मैनेज कॉन्टैक्ट जो लिखा है, इस पर अगर टैप करेंगे तो आपका क्या होता है कि आपका नंबर जो है इस तरह सब सब एक जितना आपको मतलब एक एक नंबर जितने हैं आपको एक एक में सेव हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब आप कॉन्टैक्ट को इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब आपको ला रहे हैं, और एक्सपोर्ट में आपका जा रहा निकल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको इम्पोर्ट करना है, देखिए यहाँ पे अगर आपका एक भी कार्ड एक फाइल होता है, जैसे JPG, PNG, PDF जिस तरह फाइल होता है, उस तरह भी कार्ड भी एक फाइल होता है जिसे आप सिम कार्ड में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम भी कार्ड फाइल्स योर सिम कार्ड, मतलब भी कार्ड से आप सिम कार्ड में सेव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ जो है एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट टू सिम कार्ड, और ये लिखा है। तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट से निकाल भी सकते हैं भी कार्ड में, तो यहाँ पे ऐसा एक्सपोर्ट करेंगे तो इस तरह वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हैं, तो किस में करना है, तो मतलब 371 कॉन्टैक्ट टोटल है। तो यहाँ से हम अगर SD कार्ड में करेंगे, मेमोरी कार्ड में हो जाएगा सेव, और इसे टैप करके यहाँ से एक्सपोर्ट नीचे लिखा गया है तो यहाँ पर आपको टैप कर देंगे, अन्यथा बैक करेंगे बैक चल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मूव कॉन्टैक्ट, तो ये इसी पे आपको टैप इस तरह निकालना है सेटिंग, ठीक है ना। मूव कॉन्टैक्ट इसे लिखा होगा तो आपको यहाँ पे टैप कर देना है, और टैप करने के बाद देखिए आपको यहाँ फ्रॉम मतलब आप कहाँ से, तो यहाँ पे आपको टैप करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको जिसमें फ्रॉम मतलब आप जहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है ना, तो उस जैसे फ़ोन से उठा रहे हैं, और कहाँ पर करना है तो सिम, जैसे मैं अभी फ़ोन पर टैप करूँगा तो आपको दिखाते हैं। जैसे फ़ोन पर टैप कर देंगे और यहाँ पर टू कर देंगे इस तरह, यहाँ पे तो टू में यहाँ पे सिम कार्ड में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। हम देख सकते हैं इस तरह हम टैप किए तो यहाँ पे आ गया। उसको देखिए डन करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ टू में आ गया, उसके बाद आप सिम वन को यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह, और अगर तो इस तरह आपका सेटिंग नहीं आता है तो बहुत सारे ऐप पड़े हैं प्ले स्टोर पर, वहाँ जाके आपको सेव करना है, इसे सर्च कर देना है। आपको बताते हैं, यहाँ पे प्ले स्टोर पर चल जाएंगे लास्ट में, और यहाँ पे आपको सर्च कर देना है फ़ोन टू सिम कार्ड कॉन्टैक्ट मूव, इस तरह सर्च कीजिएगा फ़ोन टू सिम कार्ड कॉन्टैक्ट मूव, इस तरह सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर में। और सर्च करने के बाद देखिए आपको फर्स्ट में एक कॉपी टू सिम कार्ड है, तो इस तरह आपको ये इसे इंस्टॉल कर लेना है। और मैं पहले से इंस्टॉल किया हूँ तो इसको आप बस ओके ओके देते जाना है, और जब हो जाएगा तो आपको स्टेप बाई स्टेप कर लेना है सब कुछ। तो बहुत आसान तरीके से, जैसे पिछले बार मैंने बताया वहाँ पे, मतलब कि पीछे बताया है, उसी तरह इसमें भी ऑप्शन आएगा। तो ये थर्ड पार्टी ऐप है, ठीक है, तो इससे भी हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ना था डिसलाइक कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आप आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।